अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुखसास किचन। आज हम पेप्सा कैसा बनाते हैं देखेंगे। ये आसान सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसीजर। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने दो पेप्से लिए हैं, यानी दो बकरे के ही, जिसको मैंने छोटे टुकड़े कट करके अच्छे से धो लिया है। तो इसको हम कुकर में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकर चूल्हे पर रखकर गर्म कर दिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 लौंग, 2 इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1/4 टीस्पून शाहजीरा। अब हल्का सा इसको हम पका लेंगे ताकि खुशबू छूट जाए तेल में इसके। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 डली कटी हुई प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो बीच बीच में चलाते हुए मैंने इसको हाई फ्लेम पर पका लिया है, तो देख सकते हैं आप गोल्डन ब्राउन हो चुकी है प्याज। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब गैस के फ्लेम को यहाँ पर लो कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हम पेप्से के टुकड़े डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ पुदीना और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो नमक अब तक हमने नहीं डाला, अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो ये पककर बहुत थोड़ा सा होता है, इसलिए इसके हिसाब से देख कर डालिएगा। अब हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पेप्सा आप हमेशा कुकर में बनाइए, क्योंकि ये पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब भी बनाएं पेप्सा और कलेजी अलग अलग बनाइए, क्योंकि कलेजी बहुत कम टाइम में बन जाती है और पेप्से को थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर कम पक गया तो ये थोड़ा सा चुई और रबरी टाइप का रहता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 ग्लास पानी, क्योंकि इसका पानी भी छूटेगा। तो 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 6 से 7 सीटियाँ या अच्छे से नरम होने तक इसको हम पका लेंगे। तो 6 से 7 सीटी होने के बाद, बिल्कुल कुकर ठंडा होने के बाद, मैं इसको खोल रही हूँ। तो एक बार चेक कर लेंगे कि नरम पका या नहीं पेप्सा। तो अच्छे से नरम गल चुका है। अब हम पानी अगर थोड़ा सा है तो हाई फ्लेम पर सुखा लेंगे। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद पानी अच्छे से सूख चुका है और तेल भी छूट गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो आप इसको गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रुखसास किचन।